मित्रों नमस्कार, मैं आपका दोस्त शिवम और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का फिर से अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं अभी पहुंच चुका हूं गोपालगंज में, और दोस्तों मैं आप सभी को दिखाऊं पीछे अभी आप देख सकते हैं गोट फार्म में, जहां पे कि दोस्तों बकरी पालन की जाती है। और दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आप सभी को यहां पे इसलिए लेकर पहुँचा हूँ क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स लोग जानना चाहते हैं कि इसका शुरुआत हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग बकरी पालन करके कितना रुपये तक कमा सकते हैं। दोस्तों आज हमारे साथ हैं यहाँ के शॉप ओनर, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इन्होंने शुरुआत किया। इससे पहले ये कहीं ट्रेनिंग लिए थे और कितने मतलब साल हो गए इनको ये चीज़ें स्टार्ट करना बकरी पालन, और कितना कमा लेते हैं महीने का। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आपका भी स्वागत है जी। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए ताकि मेरे व्यूअर्स लोग को आपके बारे में कुछ पता चल सके। जैसे हमारा परिचय, मेरा नाम तौसीफ आलम जी। बिल्कुल। हम मतलब पहले हम लोग का घर था फतेह में, अभी नया 10 साल से यहाँ पे लोग, 4 साल हुआ मतलब बकरी फार्म स्टार्ट किए हुए जी। इस फार्म का मतलब ये क्या बोला था, फार्म का इस फार्म का मतलब चालू करने का अच्छा। यही मकसद था कि आगे चल के मतलब बाकी लोग को भी मुनाफा हो, हम लोग को भी मुनाफा हो, बाकी लोग भी इस रोजगार रोजगार को शुरू कर, कोई बेरोजगार ना रहे। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपसे कि ये आपका जो फॉर्म है इसका एड्रेस क्या होगा। सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपसे ये एड्रेस, यहाँ का तुरकहाँ पुल सबको जानता होगा, अगर नहीं जानता हो गोपालगंज और तुरकहाँ पुल के नाम से, हाँ तुरकहाँ पुल के नाम से, हाँ थोड़ा राज का पोखरा आता है जी, उसी के सामने, जस्ट सामने, जस्ट बगल MM उर्दू हाई स्कूल के फ्रंट में। आपका फॉर्म का नाम क्या होगा? इस तौसीफ गोट फार्म, फॉर्म का नाम है। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग मतलब आपके यहाँ भी तो कौन कौन सी इसमें अलग अलग तरह की ना बकरी होती है ना? हाँ अलग अलग, इसमें मतलब टोटल 12 नस्ल की बकरियाँ हैं। 12 नस्ल की? हाँ जी बिल्कुल। इंडिया में अभी रजिस्टर्ड ब्रीड 28 ब्रीड है मतलब जी। बिल्कुल। अभी भी हमारे पास 12 ब्रीड है जी, जिसमें बीटल है, गुजरी है, सिरोही, अपने यहाँ के लिए सिरोही ब्रीड अच्छी नहीं है, सिरोही, सोजत, तोतापरी और ये नागफनी आती है, टैडी बरबरी एक आती है, वो तोतापरी में एक अलवर वाली तोतापरी आती है, वो वाली। तो जैसे कि आपने बताया कि आपको इस फॉर्म को चलाते हुए 3 साल हो गए पूरे, अभी तो चौथा साल मतलब पूरा होने जा रहा है, अभी चौथा साल इसका पूरा होने जा रहा है। तो जैसे कि इसको आपको कहाँ से आइडिया है कि मतलब हम बकरी पालन को कैसे स्टार्ट करें, मतलब इसका आइडिया कहाँ से है आपके पास? जैसे अब्बू का आइडिया है, मतलब वो पहले से फार्म चालू कर, अच्छा आपके अब्बू फार्म को चालू किए थे, अभी आप संभाल रहे हैं? हाँ अभी हम संभाल रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे वो रहते रहते उनके बाद मतलब हम देखते देखते सीख गए हम भी, तो उनका सिर्फ मतलब बीमारी बताना रहता है, बाकी सब इलाज हम लोग मतलब कर लेते। बिल्कुल। चलिए मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर चले और वहाँ से हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ से, और इधर से आ जाइए आगे और हम लोग चलते हैं यहाँ से। तो जैसे कि आपके अब्बू इस चीज़ को स्टार्ट किए, तो ये बताइए सबसे पहले इसको इन लोगों का चारा वगैरह के लिए मतलब क्या क्या खिलाते हैं बकरी को? हम लोग के लिए एक हाइड्रोपोनिक फॉडर आता है जो MP से आता है, इस सब का पूरा स्ट्रक्चर MP से आता है। बिल्कुल। वो मशीन थोड़ा तेज बोलते मतलब, तो शायद से आवाज अच्छा हो जाता है मेरे व्यूअर्स को जी। MP से आता है ये वाला चारा है, अभी बारिश की वजह से बंद किए हैं लोग क्योंकि एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गया है। बिल्कुल। बारिश की वजह से उसलिए ये मतलब अभी मशीन बंद करने जा रहे हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से इसमें वाटर का रिसोर्सेज ज्यादा हो जा रहा है, हम लोग मक्का मतलब खराब हो जा रहा है, नहीं तो एकदम रिजल्ट इसका इस टाइप का आता है जी, ये विदाउट सॉइल का पूरा रूट्स है जी। बिल्कुल। शोर जी। तो इसमें अलग अलग तरह के लगाए हुए हैं ऊपर, ये खराब हो गया ना? ना खराब नहीं हुआ जी, अलग है ये। मक्की इसमें का एकदम फ्रेश आना चाहिए, घुना हुआ, हल्का भी घुना हुआ रहेगा उससे मतलब ये दाना सही से नहीं निकलेगा जी। जैसे ये फ्रेश मक्की का है, इसमें दाना फ्रेश, रूट्स भी अच्छा आ रहा है। बिल्कुल। ये सब तो अभी ये देख सकते हैं, बस चारा में यही चीज खिलाते हैं कि और भी ना? हरी पत्ती भी खिलाते हैं, इसमें जमाने की बात है तो गेहूं भी आप निकाल सकते हैं, मक्का भी। इसका प्रोसेस ये मतलब पहले बाल्टी में फुला के गोनी में 2 दिन तक रख के तीसरा दिन मतलब इसमें एक ट्रे में 1 से 1.5 kg के बीच में मतलब डाला जाता है, 1.2 से 3 ग्राम। अच्छा कितना दिन में ये तैयार हो जाता है इतना जो साइज? 7 डेज। 7 डेज में इतना तैयार हो जाता है? 7 डेज। जैसे इसमें इससे बड़ा करके खिलाते हैं कि बस इतना भी खिला देते हैं? इतना बड़ा आता है जी, डेली का मतलब चारा निकल जाता है 1.5 क्विंटल। अभी इसको बंद किया जा रहा है उसी के वजह से ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गया है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके पास कितने तरह की बकरी बताए? 12।
तो हम हर एक बकरी को थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मेरे व्यूअर्स लोग को आप दिखाइए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने बताया कि आपके यहाँ कितने प्रकार की बकरी है, सबसे पहले तो ये बताइए। जैसे अभी डिटेल में बताते हैं, जैसे ये टैडी बर्बरी है, ये 3 मंथ का मतलब बच्चा है, अभी दूध पीती है। उसके बगल वाला में मक्खी छिना एक ब्रीड मतलब ब्रीड आता है वो वाली जी, ये हैदराबादी बीटल और मिक्स है दोनों। अच्छा, इधर अलग कुछ चारा लगाए, ये क्या? जैसे ये हरी पत्ती है, हरी पत्ती है, हरी पत्ती किस चीज़ की पत्ती है? ये खेजड़ी की पत्ती, राजस्थान में बोला जाता है, नागौर से आता है ये जी। अच्छा, और बगल में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर आप बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो भाई से भी आप, अच्छा एक मिनट, आपसे एक और मेरा सवाल रहेगा, कोई मेरे व्यूवर्स अगर चाहे गोपालगंज या लोकल एरिया कहीं से हो, चाहे कि वो लोग बकरी पालन शुरू करना, तो क्या वो किस तरह से स्टार्ट कर सकते? शुरुआत में उनको कम से कम मतलब बकरी से, जैसे कि 5 से 10 बकरी से मतलब फार्म स्टार्ट कर सकते हैं जी। जैसे अच्छी ब्रीड से जी। अच्छी ब्रीड चाहिए तो उनको बकरी में 20,000 से ऊपर अच्छी ब्रीड मिलेगी, और लो क्वालिटी की ब्रीड लें तो वो मतलब फार्म आगे तक नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने कितने बकरी से स्टार्ट किया? हम लोग शुरुआत में पहले 5, उसके बाद 10, उसके बाद धीरे धीरे 20 हो गए, 20 बकरी। और इधर ये जो बच्चा सब है, ये देसी ब्रीड का है, देसी ब्रीड का है। हाँ हाँ, दो आया था जी। अच्छा, ये बच्चा क्या आपने यहाँ जो लोकल एरिया में लोग रखते हैं बकरी, वहाँ से आप लोग लेते हैं या फिर कहीं और से लेते हैं? नहीं, डायरेक्ट पंजाब से आता है, यहाँ से लोकल। यहाँ से थोड़ा सा दिखाइए, इसी में सब रहते हैं ना बच्चे? हाँ, इसी में रहते हैं, इसमें जो गोट्स है वो इसी में रहते हैं। अच्छा, चारा वगैरह सब कुछ लग गया है? हाँ, चारा ये हाइड्रोपोनिक वाला चारा अभी लगा हुआ है जी। बिल्कुल। और हरी पत्ती, अरे ये इन का चारा है, हरी पत्ती। हाँ, ये हरी पत्ती है। ये कहाँ से मंगाते हैं हरी पत्ती? ये डायरेक्ट राजस्थान से आता है, राजस्थान। हाँ, नागौर से। अच्छा, राजस्थान से मंगाते हैं। कैसे पड़ता है केजी वगैरह ये सब? ये केजी अभी मतलब थोड़ा रेट ज़्यादा हाई हुआ है, क्योंकि सीजन नहीं है। जब सीजन रहता है तब वहाँ पे पड़ता है 1900 रुपये पर केजी। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा पूरा टोटल ले होके यहाँ पे लाओ के 28 रुपये केजी पड़ जाता है। बिल्कुल। अभी हम लोग मित्रों, जैसे कि अभी हम आ चुके हैं जहाँ पे सभी बकरी हैं, जैसे हमने बात किया था, ए बाबू काटना मत इसे साइड से। तो सबसे पहले कि बिल्कुल, तो थोड़ा बताइए एक एक बकरी करके बताइए थोड़ा कौन कौन सी। जैसे ये तोता परी है, अलवर वाली तोता परी। अलवर वाली तोता परी? हाँ, ये मतलब 5 मंथ का प्रेग्नेंट है, 1 मंथ बाद मतलब ये बच्चा दे देगी जी। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब अभी इसका दूध वगैरह ये लोग देती हैं? हाँ, दूध देती है। जैसे ये दो, इसका मतलब हमको लग रहा है 3 बच्चा से मतलब कम नहीं निकालेगी, इसका दूध उस वक्त रहेगा 1/2 लीटर 3 बच्चा देने के बाद। बिल्कुल। इस टाइप की बकरियाँ कर लेते हैं ना चूँकि। अच्छा, तो मतलब कितना बताया दूध भैया? दूध 1/2 लीटर 3 बच्चा देने के बाद, अगर दो देती है तो 1/2 और बढ़ा देती है, मतलब 1 लीटर हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ से मतलब ये कितने, अभी कितना बड़ा तक होगी बकरी ये? अभी इसका अर्जुन हटा, इसके बारे में थोड़ा सा पता है, ये कौन सी? ये टैडी बर्बरी है। कौन सी? टैडी बर्बरी। अच्छा, जैसे ये पंजाब में मतलब पाया जाती है, पंजाब की ब्रीड है ये वाली, पंजाब की ब्रीड। हाँ, ओरिजिनल वहीं पे आपको पंजाब में मिलेगी जी, प्योर ब्रीड जी। बिल्कुल। इसका अभी कितना बड़ा तक होगा? इतना ही बड़ा रहेगा? ये अभी 2 दांत पे है जी, अभी फर्स्ट पर मतलब प्रेग्नेंट है जी। इसके बाद बच्चा, इसका हाइट नहीं चेक किया जाता है, कि इसका हाइट ज़्यादातर नहीं जाता है। पंजाब वाली बर्बरी का वजन जाता है फीमेल का 60 kg जी। बिल्कुल। इस सब का हाइट हम बता सकते हैं, इस सब का हाइट पूरा थोड़ा सा इधर हम हट जाते हैं ना, इन लोगों को भी परेशानी हो रही है, देख सकते हैं। अभी इधर से बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ आ जाइए, इधर से कैमरा पर्सन से बोलूँगा, थोड़ा सा उधर दिखा दीजिए, उधर बकरी की तरफ दिखा दीजिए, हम बात कर लेते हैं भैया से। तो बताइए भैया, जैसे कि बता रहे थे अलग अलग तरह की है ना, दो हम जान लिया, और जो है उन सब के बारे में बताइए। और ये सोजत हो गई जी, जैसे कि अभी ये सब चारा के लिए अब अंदर जाएंगे ना? चारा के लिए अभी जा रही है जी। ये वो जो ब्लैक वाला वो जो उसका वो बीटल है, कौन सा बीटल? थोड़ा सा आगे आ जाते भैया, बीटल है, बीटल है। हाँ, तो वो उससे अभी हाइट जाएगा कि अभी वो 4 दांत पे, अभी उसका पूरा टोटल हाइट 46 तक मतलब लास्ट। अच्छा, ये सब ऑटोमेटिक इधर उधर जा रहे हैं, इन सब का पता है? जानती है सब कहाँ पे हम लोग चाह रहा है, कहाँ घर है, ये टोटल मतलब मालूम है सब, टोटल इन सबको मालूम है। हाँ। अच्छा, इन लोग का इंजेक्शन वगैरह भी लगता है क्या? हाँ, टीका लगता है, जैसे PPR, FMD, GT जी, ये 3 मतलब टीका हम लोग लगाते हैं। कितने कितने मंथ पे लगता है? जैसे PPR साल में 1 बार, साल में 1 बार। इन लोग का 3 टीका रहता है? हाँ, 3 टीका, और 1 टीका ये FMD वो 6 महीने पे दिलाता है। अच्छा, वो जो ब्लैक वाला जो है ना वो बीटल है, तो वो कितने दिन में अभी तैयार हुआ, उतना बड़ा कितने दिन में हुआ? वो अभी 18 महीने का है, 18 महीने के मात्र। अभी अभी देखिए तो काफी तेजी भाग रहा है ये, अभी अदंत है, तोता परी का ब्रीडर है जी। बिल्कुल।
तो मित्रों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, बकरी पालन आप कैसे शुरू कर सकते हैं सारा कुछ बताए। और मैं चाहूँगा कि अगर कोई मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर आपसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके थ्रू वो जानना चाहते हैं, मतलब इसका स्टार्टिंग हम कैसे करें या कर देखना चाहते हैं, तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं लोग? कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में चला जाएगा जी, बिल्कुल, उसे स्क्रीन पे भी डाल दिया जाएगा नंबर, उससे मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल, मैंने इनका नंबर अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रखा है। आप इनसे कुछ भी जानकारी लेना चाहते हो तो आप इनसे पर्सनली कॉल करके बात कर सकते हैं। और एड्रेस तो इन्होंने बता दिया और हमने एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एड्रेस यहाँ का लाइव लोकेशन है, मतलब गूगल पे, गूगल मैप पे आप तौसीफ गोट फार्म के नाम से सर्च कीजिए तो लोकेशन यहाँ का एकदम नॉर्मली आ जाएगा, आसानी से आ सकते हैं लोग जी। तो बिल्कुल, अगर आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ के एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो अगर मेरे वीडियो के माध्यम से कोई मेरे सब्सक्राइबर मित्र यहाँ तक पहुँचते तो क्या आप उनके लिए कुछ सहूलियत वगैरह देंगे ना? हाँ, दे देंगे बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो के माध्यम से इनके यहाँ तक पहुँचते हैं तो आप लोग मेरे चैनल का नाम जरूर लीजिए, आपको यहाँ पे जरूर सहूलियत मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। और बकरी बेचते कब हैं? बेचते हैं लोग मंथ ईयर में, मतलब वन ईयर में दो बार बेचते हैं लोग, एक फरवरी टू लास्ट मार्च जी। उसके बाद एक कुर्बानी वाला मंथ आता है, उसमें ये सेप्टेम्बर में बिकता है, कुर्बानी बाद और कुर्बानी के पहले बस। अच्छा, आपके पास और कोई चाहे उन मतलब बच्चे, मतलब बकरी के बच्चे खस्सी का बहुत मतलब डिमांड आ रहा है, अभी एक मंथ बाद मतलब यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, जिस वैरायटी का चाहिए उस वैरायटी का मिल जाएगा। तो जैसे कि मेरा आपसे एक और मेरा आपसे सवाल रहेगा, गांव में लोग बकरी पालन करते हैं जो छोटे बच्चे रहते हैं, क्या आपके यहाँ वो ला कर दें तो क्या आप जैसे देसी नहीं देसी ब्रीड रहे तो वो नहीं लिया जाएगा, जैसे हम लोग पालते हैं लोग हाईब्रिड का बच्चा, वो कोई भी रहेगा तो हम लोग मुनासिब ब्रीड से ले लेंगे लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना और जाना इस वीडियो में, तो दोस्तों यही था आज का वीडियो और उम्मीद करूंगा कि आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद हो उन लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। दोस्तों, हम फिर मिलते हैं किसी ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे इस ब्लॉग चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।